भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में, जो कि धृतराष्ट्र का है। यहाँ धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इसे समझने की कोशिश करिए। धृतराष्ट्र एक अंधे राजा, और वो ये सवाल कर रहे हैं संजय से। धृतराष्ट्र का मतलब है हमारा दिमाग जो कि अंधा है, और संजय का मतलब है इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांकना। राजा धृतराष्ट्र संजय से जानना चाहते हैं कि इस युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में उनके और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हर एक स्पिरिचुअल सीकर जब अपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलता है, आगे बढ़ता है, तो वह यही प्रश्न करता है। वह रोज़ अपने अंदर चल रहे इस युद्ध को देखता है, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। जब हम ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को देखते हैं, अपने ही इस शरीर रूपी धर्म क्षेत्र में अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे युद्ध को देखते हैं, तब हम अपने दिमाग से कहते हैं, जो कि अंधा है, कि मेरे अंदर इस युद्ध में क्या चल रहा है। कुरुक्षेत्र का मतलब है जहाँ हम अपना कर्म करते हैं, वो जगह जहाँ हम अपना धर्म पूरा करते हैं, वो धर्म क्षेत्र, वो कुछ और नहीं, हमारा शरीर है। ये शरीर ही वो जगह है जिसमें जीवन की सारी गतिविधि होती है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सब कुछ यहीं तो होता है। और हमारे इसी शरीर में बुद्धि और मन, इसके बीच में एक युद्ध लगातार चलता रहता है। हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंसी, जो हमें दिखाती है कि सही क्या है, और मन, वो बस सेंसेस के पीछे भागता रहता है कि मेरी इच्छाएं क्या हैं, और ये युद्ध लगातार चलता रहता है। एक योगी के लिए जब वो अपने आध्यात्मिक पथ पर चलता है, तो उसके सामने ये युद्ध कुछ इस तरह से है। एक तरफ उसका स्पिरिचुअल पाथ है, उसके आध्यात्मिक कर्तव्य हैं, तो दूसरी तरफ फिजिकल वर्ल्ड, सामाजिक कर्तव्य। और हमारी शरीर रूपी इस कुरुक्षेत्र में जो बुद्धि है, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस है, वो है पांडु, जिसके पुत्र हैं पांडव, जहाँ से हमारी निवृत्ति के द्वार खुलते हैं। हमारे शरीर के 5 एनर्जी सेंटर्स, 5 चक्र, जहाँ हमारा मन इस दुनिया को छोड़कर ईश्वर की तरफ बढ़ने को करता है, तो दूसरी तरफ है हमारा मन, कौरव। धृतराष्ट्र और उनके पुत्र कौरव, जो कि हमारे सेंसेस हैं, और वो हमें दिन रात इस पल भर में उजड़ने वाली दुनिया में बांधे रखते हैं, वर्ल्डली एन्जॉयमेंट। याद रखिए, संजय वही है जो अपने इंद्रियों से परे चला गया हो, डिवाइन इंसाइट, हमारा इंट्यूशन, हमारा अंतर्मन, जो बिना किसी पार्शियलिटी के हमारी अच्छाइयों और बुराइयों को जज करता है और हमें बताता है कि हम किधर जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम इस बात पर आगे बढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संजय ताकतवर होता चला जाता है, हमारा इंट्यूशन। इसीलिए गीता का पहला श्लोक हर मनुष्य से कहता है, क्या इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपने अंदर झांकिए, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, उसे देखिए, समझिए, और डेली उसे अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या चल रहा है। मेरे इस युद्ध क्षेत्र में जो अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ हैं, उनमें से कौन जीत रहा है, इससे होगा क्या,
अगर आप गलत रास्ते पर हैं, अगर आपका मन आपकी बुद्धि पर हावी हो चुका है, आपकी इच्छाएं आपके सेंसेस आपके आध्यात्मिकता पर हावी हो चुकी हैं, तो उसे रोकिए, सही रास्ते पर लेकर आइए। यही तो कृष्ण चाहते हैं। याद रखिए, मनुष्य को बहुत सारे युद्ध अपने एक ही जीवन में लड़ने पड़ते हैं। इवन बहुत सारे जन्मों से वो ये युद्ध ही तो लड़ता आया है। बायोलॉजिकल, बैक्टेरियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, सोशल, एथिकल, पॉलिटिकल, हर तरह के युद्ध। और गीता की पूरी शिक्षा इसी पे है कि मनुष्य को अपने धर्म पे चलना चाहिए। धर्म मतलब जो सही है उसके लिए। और उसके लिए ज़रूरी है सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन। याद रहे, मनुष्य को इस जीवन के लिए भी युद्ध लड़ना पड़ता है। जब वो एक आत्मा के रूप में किसी शरीर में आता है, उसे चुनता है, उसके लिए भी उस शरीर को उसे जीतना पड़ता है। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, एक नई ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, तो एस्ट्रल वर्ल्ड से बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो उस शरीर को पाना चाहती हैं, इस जीवन में आना चाहती हैं। पहला युद्ध वहाँ शुरू होता है कि कौन उस शरीर को जीतेगा, उस आत्मा के पहले कर्म कैसे हैं, और वो नया शरीर जिस माँ के शरीर में है, उस माता पिता के साथ उस आत्मा के पहले कर्म क्या हैं। बहुत सारी सोल उस जीवन में एंटर होती हैं, जैसे बहुत सारे स्पर्म, लेकिन उनमें सिर्फ एक जीतता है। और वो जो एक सोल उस माँ के शरीर में आती है, जीतती है, उसे वहाँ भी युद्ध लड़ने हैं, डार्कनेस से, उस बंधन से, लिमिटेशन से, फ्रस्ट्रेशन से। वो आत्मा सब महसूस करती है, अपनी माँ की इमोशंस, उसके आसपास क्या चल रहा है वो सब, लेकिन कोई फ्रीडम नहीं, बंधी हुई बंधन में। वो 8-9 महीने वहाँ भी युद्ध ही लड़ती है जीवन के लिए। और जब जन्म होता है तो शरीर दूसरों पर निर्भर है, असहाय है, जिसे दूसरों की ज़रूरत है खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, सोने के लिए। और जब धीरे धीरे वो आत्मा बड़ी होती है एक बच्चे के रूप में, तो भी स्ट्रगल है, तो भी युद्ध है। मन करता है कि खेलने जाऊं, लेकिन सिखाया जाता है पढ़ो, आगे बढ़ो, कंपटीशन करना है, दुनिया से लड़ना है। और फिर वही मन और बुद्धि का युद्ध। और फिर जब आत्मा युवा होती है तो बहुत सारे इमोशंस एक साथ ऊपर आ जाते हैं, फीलिंग ऑफ सेक्स, ग्रीड, पैसा कैसे बनाना है, कैसे अपनी आजीविका निभानी है, कैसे जिम्मेदारियां निभानी हैं, एक बड़ा युद्ध। बहुत सारी सांसारिक समस्याएं उसके सामने आती हैं और एक तलवार लेकर वो बस लड़ता रहता है, और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को तो जैसे भूल ही जाता है। उसका मन उस पर इतना हावी हो जाता है कि उस आत्मा को वो मन ही चला रहा होता है। दुख है, फेलियर है, इग्नोरेंस है, डिजीज है, बुरी आदतें हैं, सब सबसे तो लड़ना है। लड़ना तो है, युद्ध तो निरंतर चल ही रहा है, लेकिन अफसोस ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम युद्ध में हैं। और इसीलिए गीता का पहला श्लोक हमें सिखाता है इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर चल रहे इस युद्ध को पहचानो और देखो कि यहाँ क्या हुआ, पांडवों और कौरवों के बीच क्या हुआ। गीता के अगले श्लोक में संजय कहते हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त थे, किंतु जब उन्होंने
पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न सका। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था और झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य उसे भलीभांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उन्हें सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। और अब वही धृष्टद्युम्न युद्ध भूमि में पांडवों के साइड थे और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने ये व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वे युद्ध में सजग रहें और समझौता ना करें। गीता के इन दो श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं। यह संजय, जिसे हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांकना। दुर्योधन मतलब मटेरियल डिज़ायर, हमारी इच्छाएं, चीज़ों को पाने की इच्छाएं, जो कि दिमाग से निकलती हैं। इसीलिए माइंड जो कि अंधा राजा है, उसका पुत्र दुर्योधन सबसे बड़ा पुत्र, क्योंकि दिमाग से जो सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी बाहर आती है वो है हमारी मटेरियल चीज़ों को पाने की इच्छाएं। बाकी के जो सारे सेंसेस हैं वो उसी से निकलते हैं, वो उसके बाद निकलते हैं। इसीलिए तो गांधारी के 100 पुत्र में से सबसे बड़े दुर्योधन। यहाँ द्रोणाचार्य से मतलब है हमारे संस्कार, जन्मों जन्मों में जो कर्म हमने किए हैं, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, वो सारे संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं और समय आने पर वो बाहर आते रहते हैं। और यही संस्कार हैं जो हमसे अच्छे बुरे कर्म कराते हैं, और इन्हीं संस्कारों की वजह से हमारे अंदर विचार आते हैं। महाभारत के अनुसार द्रोण ही थे जिन्होंने कौरव और पांडव दोनों को धनुर्विद्या सिखाई, जबकि युद्ध में द्रोण कौरवों के साइड थे। तो हमारी जो बुद्धि है मतलब पांडु, और हमारे जो सेंसेस हैं मतलब मन, दोनों ही हमारे पिछले संस्कारों से आते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पांडव और कौरव दोनों ने ही अपनी जो कला सीखी युद्ध की वो द्रोण से सीखी। अगर हमारे पिछले जन्मों के संस्कार अच्छे हैं, हमारी आत्मा के संस्कार अच्छे हैं, तो हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे विचार हमारे अंदर आएंगे, अच्छी आदतें आएंगी। लेकिन अगर हमारे संस्कार बुरे हैं तो वहाँ से निकलती हैं बुरी चीज़ें, बुरी आदतें, बुरे विचार। और जो भी हमारे अंदर ज़्यादा प्रभावी है, अच्छाई या बुराई, द्रोण उसी साइड होते हैं। हमारे संस्कार जितने भारी हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर अच्छाइयाँ या बुराइयाँ होती हैं। लेकिन याद रखिए कि संस्कार हमेशा सेंस हैबिट की तरफ होते हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारी इच्छाएं हैं, संस्कार उधर ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम इस ह्यूमन बॉडी में हैं। उसी तरह से द्रोण युद्ध में कौरवों की तरफ थे। जो इंसान ध्यान नहीं करता उसमें मटेरियल डिज़ायर्स ज़्यादा होती हैं, वही सुप्रीम रूलर है दुर्योधन की तरह। और जैसे जैसे मनुष्य ध्यान शुरू करता है, ध्यानी बनता है, उसका खुद पर सेल्फ कंट्रोल बढ़ता चला जाता है और वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकता है। और जब एक स्पिरिचुअल सीकर अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ता है तो शुरुआत में उसकी जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं वो ऊपर आती हैं और उसके संस्कारों से कहती हैं कि तुम्हें इस सोल डिस्क्रिमिनेशन पावर से लड़ना है, तुम जागो। लेकिन जब मनुष्य अपनी इन आध्यात्मिकताओं को, इन आध्यात्मिक ताकतों को समझने लगता है तो वो जान जाता है कि वो जीत सकता है अपनी इन मटेरियल डिज़ायर से भी और अपने पुराने बुरे संस्कारों से भी। जैसा कि हमने बताया द्रोण
का मतलब है हमारे संस्कार, पास्ट हैबिट टेंडेंसीज। वैसे ही द्रौपदी के पिता द्रुपद, इसका मतलब होता है डिवाइन डिवोशन, मतलब मटेरियल एंजॉयमेंट में मन ना लगना, सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ में मन लगना, एक ध्यानी में, एक डिवोटी में। शुरुआत में जब आध्यात्मिक इच्छाएं जागती हैं तो उसका अंदर के जो कर्म हैं, उसकी जो संस्कार हैं, वो उसके साथ होते हैं, उसके स्पिरिचुअल डिज़ायर्स के साथ होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही द्रोण और द्रुपद पहले मित्र थे, लेकिन जैसे ही संस्कारों में स्थित मटेरियल सेंस टेंडेंसीज ऊपर आती हैं, द्रुपद द्रोण को छोड़कर चले जाते हैं। हमारी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स और मटेरियल डिज़ायर्स अलग हो जाती हैं। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, जिसका मतलब है पावर ऑफ अवेकनिंग इंट्यूशन, और वो भी जागृत होता है हमारे पुराने संस्कारों से, जब हमने खुद पर बहुत काम किया होता है, अपने इंट्यूशन पर काम किया होता है, तभी इस जन्म में वो फिर से जागता है। वैसे ही जैसे द्रोण ने अपनी सारी शिक्षाएं धृष्टद्युम्न को दी थी। ध्यान का जो हैबिट है, ज़रूरी नहीं है कि वो इसी जन्म का हो। अगर आपने अपने पिछले जन्मों में ध्यान किया हो तो वो टेंडेंसीज ऊपर ज़रूर आती हैं आपकी मदद करने के लिए आपके स्पिरिचुअल पाथ में। इसलिए भगवद गीता के इन श्लोक में, दूसरे और तीसरे श्लोक में कहा गया है कि जब एक स्पिरिचुअल सीकर में मटेरियल डिज़ायर्स अपनी आर्मी के साथ, जो कि है सेंस टेंडेंसीज, उसके साथ ऊपर आती हैं, उसे ध्यान करने से रोकती हैं, उसे इस सांसारिक दुनिया में लाने की कोशिश करती हैं, तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के अंदर की जो इनर लाइट है वो जागती है, उसका इंट्यूशन उसे जगाता है, और वो आता है उसके पिछले कर्मों से, उसके पिछले जन्मों के ध्यान से। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।